नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। तो देखें, इस प्रश्नावली के 29 क्वेश्चन तक हम हल कर चुके हैं। आगे देखते हैं, 30वां क्वेश्चन है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। और यह जो एफ एक्स फलन है, एक सतत फलन है। तो ध्यान देना, एफ एक्स फलन सतत फलन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्स के मान के लिए यह सतत रहेगा। तो देखिए, एक्स बराबर 2 के लिए भी यह फलन सतत होगा, एक्स बराबर 10 के लिए भी यह सतत फलन होगा। तो देखिए, हमने लिखा दिया गया फलन एक संतत या सतत फलन है, इसलिए यह एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 10 पर सतत होगा। देखिए, हमने दो बिंदु ही लिए, एक्स बराबर 2 लिया और 10 लिया, बाकी बिंदुओं की हमें जरूरत नहीं होगी। तो केवल हमने x बराबर 2 लिया और 10। देखिए, अब हम x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान ज्ञात करेंगे। फिर हम x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ एक समीकरण बनेगा, यहाँ दूसरा समीकरण बनेगा, फिर दोनों समीकरण को हल करेंगे, तब ए बी का मान ज्ञात होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात होती है, लिमिट x सूचित करता 2, लेफ्ट हैंड है माइनस चिन्ह। अब देखिए, 2 से छोटा फलन यदि आप देखें तो कितना है, 5 है। देखिए, यहाँ पे x है ही नहीं, तो 5 का 5 आंसर हो जाएगा। अब हम जो है x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो तथा x बराबर 2 पर हमने लिखा राइट हैंड लिमिट। तो देखिए, राइट हैंड लिमिट आपको पता है कैसे ज्ञात की जाती है, लिमिट x सूचित करता 2 प्लस लिखेंगे, क्योंकि 2 पर ज्ञात कर रहे हैं। और देखिए, यदि 2 से बड़ा फलन देखें तो 2 से बड़ा फलन कौन सा है, ए एक्स प्लस बी है, तो हमने लिखा फिर ए एक्स प्लस बी। देखिए, सवाल यहाँ x में है, तो देखिए हमें इसे हल करना होगा। तो पहले हम तो x को क्या करते हैं, h के रूप में बदलते हैं। तो देखिए, x बराबर हमें राइट हैंड लिमिट है, तो a प्लस h रखना होगा, a का मान 2 है, तो हम 2 प्लस h रखेंगे, तो साथ में लिमिट भी बदल जाएगी। तो हमने लिखा फिर, जब लिमिट क्या है, x सूचित करता 2 है, तो फिर h का मान क्या हो जाएगा, देखिए 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, h सूचित करता 0 हो जाएगा। और यदि आप मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिर लिमिट इसके स्थान पे आएगा h सूचित करता 0, और फिर a लिखेंगे, x का मान कितना है 2 प्लस h रखेंगे, और फिर प्लस का b लिखेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब h का मान 0 रखेंगे, तो a 2 प्लस 0 और फिर प्लस b करेंगे। तो देखिए, आगे सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस बी आ जाएगा राइट हैंड लिमिट का मान। अब हम फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, एक्स बराबर 2 पर हम फलन का मान एफ ए का मान, मतलब एफ 2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एफ 2 के लिए बराबर फलन कौन सा है, 2 के लिए बराबर फलन है 5, तो इसका मान फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए, हमें कहा गया था कि फलन जो है सतत है, मतलब एक्स बराबर 2 पर सतत है। तो देखिए, चूंकि दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है, जब सतत है तो हम कह सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आप f 2 रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है 5 और राइट हैंड लिमिट का मान क्या है 2a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट के बाद f 2 का मान कितना है 5 है। तो देखिए, ये दोनों तो बराबर हैं, हम 2a प्लस बी का मान 5 लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा 2a प्लस बी बराबर होगा 5 के, इसे समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए, ऐसा ही हम x बराबर 10 के लिए करेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, x बराबर 10 के लिए यही तीनों चीजें ज्ञात करेंगे। तो अब हमने लिखा x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट पहले ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा फिर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, तो देखिए लिमिट x सूचित करता
माइनस का चिन्ह। देखिए 10 से छोटा फलन यदि आप देखें तो 10 से छोटा फलन कौन सा है, यहाँ 10 से छोटा फलन ए एक्स प्लस बी है, तो हमने फिर यहाँ पे क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी लिखा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ए एक्स प्लस बी है, एक्स के रूप में फलन है, इसे एच के रूप में हमें बदलना होगा। तो कैसे बदलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, ए माइनस एच रखते हैं और ए का मान कितना होता है 10, तो यहाँ 10 माइनस एच रखेंगे। तो देखिए यदि आप एक्स का मान रखेंगे एच के रूप में तो यहाँ लिमिट भी बदल जाएगी। तो जब एक्स सूचित करता था 10 को तो फिर एच सूचित किसे करता है, फिर 0 को, क्योंकि 10 यदि रखते हो तो 10 कट गए, एच का मान 0 आ जाएगा। और आगे यदि आप मान निकालेंगे तो देखिए लिमिट इसके स्थान पे आएगा एच सूचित करता 0, और देखिए ए लिखा हमने, एक्स का मान कितना रखेंगे 10 माइनस एच, और फिर प्लस का बी लिखा। और देखिए आगे यदि आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मतलब एच का मान 0 रखते हैं, तो ए 10 माइनस 0 आएगा प्लस बी, और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 10 ए प्लस बी आ जाएगा। देखिए अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात की है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपसे बन जाएगी। अब हम एक्स बराबर 10 पर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो एक्स बराबर 10 पर राइट हैंड लिमिट, तो देखिए राइट हैंड लिमिट का मान कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स सूचित करता 10 के ऊपर प्लस चिन्ह लगाएंगे। देखिए 10 से राइट में कौन सा फलन था, तो यदि आप देखें 10 से बड़ा फलन यदि आप देख पा रहे होंगे तो 21 है, तो यहाँ पे फिर 21 रख देंगे। देखिए यहाँ एक्स है ही नहीं, इसलिए इसका मान 21 ही हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट भी हमने ज्ञात कर ली, अब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने लिखा तथा एक्स बराबर 10 पर एफ ए का मान ज्ञात करेंगे, मतलब एफ 10। तो देखिए बराबर के लिए कौन सा फलन है, तो देखिए यदि 10 बराबर है तो फलन का मान क्या है, 21 है, तो f 10 का मान कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए चूंकि हमें दिया गया था कि फलन x बराबर 10 पर भी सतत है, तो देखिए चूंकि दिया गया फलन x बराबर 10 पर सतत है, अतः हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमें रखना होगा राइट हैंड लिमिट, और बराबर रखना होगा f 10 को। देखिए अब इनके मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया 10 से प्लस बी आया है, राइट हैंड लिमिट का मान 21 आया है, और फलन का मान भी 21 आया। देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, तो 10 से प्लस बी का मान हम 21 ले सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा यहाँ 10 से प्लस बी बराबर 21, इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 की यदि बात करें तो इन दोनों को हमें हल करना होगा। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं समीकरण 1 और 2 को, देखिए यहाँ पे बी और बी यहाँ समान है, तो समीकरणों को हम घटा सकते हैं। तो देखिए यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 10 ए में से 2 ए को घटाएंगे 8 ए प्राप्त होगा, बी में से बी को घटाएंगे बी कट जाएगा, 21 में से 5 को घटाएंगे 16 प्राप्त होगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर 16/8, मतलब ए का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि ए का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें, तो देखिए समीकरण 1 से यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पे 2 और फिर ए का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस बी बराबर 5, और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, पक्षांतर करेंगे तो b बराबर आएगा 5 माइनस 4, मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः a का मान 2 आया है तथा b का मान 1 आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 30वां सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 31वां सवाल है, दर्शाइए कि एफ एक्स कोई फलन है जो कि कॉस एक्स वर्ग के बराबर है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत या सतत फलन है। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ आपको सवाल अलग प्रकार के मिलेंगे, तो इनको हल करने से पहले हम एक नियम समझ लेते हैं जो कि संयोजक फलन का होता है। तो देखिए संयोजक फलन हम किसे कहते हैं, यदि हमारे पास दो फलन g और h हैं, ध्यान देना यदि आपके पास दो फलन g और h हैं और दोनों के दोनों सतत फलन हैं या फिर संतत भी हम कह सकते हैं, तो फिर उनका जो संयोजन होता है g o h
वह भी एक सतत फलन होता है। तो इसी नियम के द्वारा जो है हम सवाल को हल करेंगे संयोजक फलन के द्वारा। तो हम क्या देखेंगे, यदि हमारे पास एक फलन जी हो, एक फलन एच हो और दोनों के दोनों सतत फलन हो, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, संयोजक फलन जो होता है, वो भी एक सतत फलन होता है। तो देखिए हमने लिखा हल दिया गया है हमारे लिए, एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, कॉस एक्स वर्ग दिया गया है। तो देखिए यहां पे हम देख पा रहे हैं एक कॉस और एक एक्स वर्ग दो फलन दिए गए हैं, एक फलन को हम जी मान के चलें, एक फलन को एच मान के चलें। तो देखिए इसे मान के चलते हैं, एक फलन है जी एक्स, जो जी एक्स फलन है वो कॉस है, और एक फलन जो है एच एक्स फलन मान के चलेंगे। तो देखिए एच एक्स फलन क्या मान लेंगे, एक्स वर्ग। अब ध्यान देना कॉस अकेला तो होता नहीं है, क्योंकि एक फलन कॉस एक फलन एक्स वर्ग, कॉस के साथ कुछ थीटा तो रहेगा, तो वो थीटा एक्स लिख देना। तो देखिए मान के चले जी एक्स बराबर कॉस एक्स और एच एक्स बराबर एक्स वर्ग। अब हमने पढ़ा है कि कॉस एक्स तो सतत फलन होता है, चाहे एक्स का मान वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी हो। तो देखिए हमने लिखा, हम जानते हैं कि जी एक्स बराबर जो कॉस एक्स है प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत फलन होता है, तथा यदि हम बात करें जो एच एक्स बराबर एक्स वर्ग है, यह क्या है, एक बहुपदी फलन है। और आपको पता होगा प्रत्येक बहुपद वाला फलन जो होता है सतत फलन होता है। तो हम कहेंगे जो एच एक्स बराबर एक्स वर्ग है कौन सा फलन है, बहुपद फलन है। बहुपद फलन जो है सतत फलन होता है, अतः यह भी क्या हो जाएगा, सतत फलन होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों फलन सतत फलन हो गए, जी एक्स फलन भी सतत है और एच एक्स फलन भी सतत है। अब देखते हैं इनका संयोजन क्या होता है। तो यदि हम जी ओ एच निकालें, एक्स के सापेक्ष ही निकालना होगा। तो देखिए जी ओ का मतलब ऑफ होता है और बाकी बचा एच एक्स। और देखिए यहाँ पे यदि आगे सॉल्व करेंगे तो जी एच एक्स का मान कितना है, एक्स वर्ग, तो जी एक्स वर्ग आया। अब देखिए आप जी एक्स वर्ग का मान, तो देखिए जी में जाके एक्स वर्ग रख दीजिए एक्स की जगह, तो जी वाला फलन ये रहा। एक्स के स्थान पे एक्स वर्ग यदि आप रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस एक्स वर्ग बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जी ओ एच एक्स बराबर आ चुका है यहाँ कॉस एक्स वर्ग, जो कि एफ एक्स के बराबर है। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यदि जी और एच दो सतत फलन हैं, तो उनका संयोजक फलन जी ओ एच भी सतत होता है। तो देखिए हमने लिखा, चूंकि जी एक्स और एच एक्स दोनों सतत फलन हैं, अतः जी ओ एच एक्स जो फलन होगा वह भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। तो देखिए हमने लिखा आता है जी ओ एच एक्स जो फलन था वह जो है संयोजक फलन है, यह भी क्या हो जाएगा, एक सतत फलन हो जाएगा। मतलब जब जी ओ एच सतत हो गया है तो वही फलन तो एफ एक्स था, तो हम कह सकते हैं अतः एफ एक्स बराबर जो यहाँ कॉस एक्स वर्ग था वह भी क्या है, एक सतत फलन है। तो इस प्रकार से प्रश्न 31 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं 32वां सवाल, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मापांक कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो देखिए इसे भी हम वैसा ही करेंगे। तो देखिए दिया गया है हमें एफ एक्स बराबर मापांक कॉस एक्स फलन दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे भी हम मान के चलेंगे, एक फलन एच एक्स मानेंगे और एक फलन जी एक्स मानेंगे। तो पहले हम मान के चलते हैं जी एक्स फलन और फिर बाद में मानते हैं एच एक्स फलन। तो देखिए यहाँ पे एक होगा मापांक और एक होगा कॉस, तो एक हम मापांक फलन मान के चलेंगे तथा दूसरा हम जो है एच एक्स फलन जो होगा उसे हम कॉस एक्स के बराबर मान के चलेंगे। तो देखिए एक हो गया मापांक और एक हो गया कॉस एक्स। अब मापांक अकेला तो आप लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे मापांक के साथ x लिखना होगा। तो देखिए gx बराबर मापांक x हो गया और hx बराबर
कॉस एक्स हो गया। अब देखिए आप लोगों को पता होगा प्रत्येक मापांक फलन जो होता है सतत फलन होता है, और कॉस एक्स हम देख ही चुके हैं कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत फलन होता है। तो देखिए हमने लिखा, हम जानते हैं कि जो मापांक फलन होता है वो प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत होता है, और कॉस एक्स फलन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत होता है। अब हम देखेंगे इनका संयोजन क्या है। तो देखिए यदि हम जी ओ एच एक्स ज्ञात करते हैं तो देखिए कैसे ज्ञात होगा, जी ओ का मतलब ऑफ एच एक्स हो जाएगा, और देखिए यदि इसका मान ज्ञात करें तो जी एच एक्स का मान कितना है आपके पास, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स रख देंगे, और देखिए यहाँ पे जी कॉस एक्स आ चुका है तो जी वाले फलन में कॉस एक्स रखेंगे, जी वाला फलन ये रहा एक्स के स्थान पे कॉस एक्स रख देंगे, तो यहाँ पे मापांक कॉस एक्स प्राप्त होगा, और मापांक कॉस एक्स का मतलब है एफ एक्स प्राप्त हो गया है। तो देखिए हमें जी ओ एच एक्स का मान जो है एफ एक्स प्राप्त हो गया है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जी एक्स और एच एक्स यदि सतत फलन थे तो जी ओ एच भी सतत फलन होगा। तो देखिए हमने लिखा चूंकि जी एक्स और एच एक्स दोनों सतत फलन हैं, इसलिए उनका जो संयोजक हुआ जी ओ एच यह भी क्या हो जाएगा, एक सतत फलन होगा, और जी ओ एच सतत है मतलब एफ एक्स भी सतत फलन होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो हमें एफ एक्स बराबर मापांक कॉस एक्स दिया गया था यह भी क्या है, एक सतत फलन है। तो देखिए यही हमें फिर सिद्ध करना था। इस प्रकार से 32वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या साइन मापांक एक्स एक सतत फलन है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम हल करेंगे तो पहले तो मान के चलिए यहाँ पे जो फलन दिया गया है वो एफ एक्स फलन है। तो देखिए एफ एक्स बराबर साइन मापांक एक्स है। अब देखिए यहाँ पे भी एक हो गया साइन फलन और एक हो गया मापांक एक्स, तो दो फलन हो गए, एक को हम मानेंगे जी एक्स और एक को मान के चलेंगे एच एक्स। तो देखिए यहाँ पे यदि हम मान के चलते हैं जी एक्स फलन साइन को मान लेंगे, और साइन के साथ कुछ ना कुछ तो लिखना होगा तो साइन एक्स हो जाएगा, तथा एक फलन जो होगा एच एक्स मान के चलेंगे, तो देखिए एच एक्स फलन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मापांक एक्स। तो देखिए दो फलन आपको कर लेने हैं, एक साइन कर दिया जाए और एक मापांक कर दिया जाए, मतलब मापांक एक्स। अब देखिए हमें पता है कि जो साइन एक्स है सतत फलन होता है प्रत्येक रियल नंबर के लिए, और यहाँ पे हमें पता है मापांक एक्स भी होता है प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत फलन। तो देखिए हमने लिखा, हम जानते हैं कि जी एक्स जो फलन है साइन एक्स जो है वो प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत होता है, और मापांक एक्स की बात करें जो एच एक्स फलन है वो भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत फलन होता है। अब देखिए इनका हम यदि संयोजन करें, जी ओ एच की बात करें, जी ओ एच एक्स, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, जी ओ का मतलब ऑफ होगा एच एक्स मिलेगा, और देखिए यहाँ पे यदि आप और आगे सॉल्व करेंगे तो जी एच एक्स का मान कितना है, मापांक एक्स है, तो यहाँ पे हम मापांक एक्स रख देंगे। ध्यान देना आप जी मापांक एक्स का मान चाहिए तो जी वाले फलन में मापांक एक्स रखेंगे, तो जो एक्स है एक्स के स्थान पे मापांक एक्स रखा जाएगा तो साइन मापांक एक्स आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा फलन एफ एक्स मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें एफ एक्स मिल जाता है, जी ओ एच एक्स का मान एफ एक्स मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि जी और एच सतत फलन है तो उनका जो संयोजन बना, जो उनका संयोजक फलन बना जी ओ एच, यह भी सतत फलन होगा। तो देखिए हमने लिखा चूंकि जी एक्स और एच एक्स दोनों सतत फलन है, इसलिए उनका जो संयोजक फलन जी ओ एच एक्स बन रहा है वह भी क्या होगा, एक सतत फलन, और जी ओ एच यदि सतत फलन है तो इसका मतलब है एफ एक्स भी एक सतत फलन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः जो एफ एक्स बराबर साइन मापांक एक्स था वह भी क्या है, एक सतत फलन है, सतत फलन है। इस प्रकार से 33वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है,
एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस मापांक एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब असतत वाले बिंदु कौन कौन से होंगे हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां दिया गया जो फलन है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस मापांक एक्स प्लस वन। देखिए यहां भी दो फलन है, एक फलन को जी एक्स मान लें और एक फलन को एच एक्स मान लें। तो देखिए हम मान के चल रहे हैं जी एक्स बराबर पहला फलन जो कि मापांक एक्स है तथा एच एक्स बराबर हम मान के चलते हैं दूसरा फलन जो कि मापांक एक्स प्लस वन है। अब देखिए हमें पता है प्रत्येक मापांक फलन रियल नंबर के लिए सतत होता है, तो जी एक्स फलन भी सतत होगा, यह भी तो मापांक फलन है तो यह भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए सतत होगा। तो देखिए हमने लिखा, हम जानते हैं कि प्रत्येक मापांक फलन सतत फलन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जी एक्स बराबर जो मापांक एक्स है प्रत्येक रियल नंबर के लिए, प्रत्येक एक्स जो कि रियल नंबर के अंतर्गत होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, एक सतत फलन हो जाएगा। और यह एच एक्स भी जो मापांक फलन है यह भी सतत फलन होगा। तो देखिए हमने लिखा जी एक्स फलन भी सतत फलन है और एच एक्स फलन भी सतत फलन है प्रत्येक रियल नंबर के लिए। आप देख सकते हैं कि जी एक्स फलन सतत है, एच एक्स फलन सतत है और हम पढ़ चुके हैं दो सतत फलनों का अंतर, यहां अंतर है क्योंकि बीच में माइनस लगा है, तो दो सतत फलनों का जो अंतर होता है वह भी एक सतत फलन होगा। तो देखिए हमने लिखा चूंकि दो सतत फलनों का जो अंतर होता है वह भी क्या होता है, एक सतत फलन होता है, अतः हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस मापांक एक्स प्लस वन एक सतत फलन है। तो देखिए जिस सतत फलन सिद्ध हुआ है, सतत फलन है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, असतत बिंदुओं को। तो देखिए जो फलन एफ एक्स है पूरी तरह से सतत फलन है, तो इसमें कोई असतत बिंदु नहीं होगा। तो हमने लिखा इसलिए जो फलन एफ एक्स था उसका कोई भी असतत बिंदु नहीं है। इस प्रकार से 34वां सवाल भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली यहीं पर कंप्लीट हुई। धन्यवाद।